प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे को लेकर आज फिर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 3 बजे से शुरू हुई इस मैराथन बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों की राय ली गई। बैठक के शुरू होने के साथ ही सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिवों से लगातार संपर्क में हैं, अधिक फोकस रखें और सक्रियता बढ़ाएं, संतुलित रणनीति से आगे बढ़ें, चुनौतियां क्या है, मार्ग क्या होगा, इस पर काम करें। वहीं पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप सभी के सुझावों से आगे के दिशा निर्देश निर्धारित होंगे। भारत देश इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है, राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा, हम लॉकडाउन कैसे लागू कर रहे हैं यह बड़ा विषय है, इसमें सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुझाव रखा। सीएम गहलोत ने आर्थिक पैकेज की मांग उठाई है, साथ ही ट्रेनों की संख्या को बढ़ाए जाने की भी मांग उठाई है, श्रमिकों के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी है, लॉकडाउन 3 को लेकर जानकारी भी साझा की है, सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। 5 मिनट तक दिए गए अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने राज्य का पक्ष रखा, साथ ही कहा कि केंद्र सरकार के आदेशों की भी पालना की जा रही है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेरा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए और अपनी बात रखी प्रधानमंत्री के सामने, आर्थिक पैकेज की उन्होंने मांग रखी है। देखिए आशीष, पीएम नरेंद्र मोदी की जो वीसी हुई है उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए जी। और लगभग 5 मिनट तक उन्हें बोलने का अवसर मिला और इस दौरान उन्होंने राजस्थान में जो कदम उठाए गए हैं लॉकडाउन को लेकर वो तमाम कदमों की जानकारी दी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री से उन्होंने राजस्थान को आर्थिक पैकेज देने की मांग उठाई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो पहले पेज में जो ट्रेनें शुरू की जा रही है उसमें राजस्थान में एक भी ट्रेन नहीं आ रही है, ऐसे में जो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए और राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के लिए कम से कम ट्रेन शुरू की जाए, क्योंकि जो प्रवासी श्रमिक है जी। वो या तो जोधपुर संभाग में ज्यादा आने वाले हैं या जयपुर संभाग में आने वाले हैं, तो ऐसे में क्योंकि जो पहले फेज में जो 12 तारीख से ट्रेन शुरू होने जा रही है उसमें राजस्थान में कोई भी ट्रेन नहीं आ रही है, ऐसे में यदि प्रवासी श्रमिक आते हैं तो वो कहाँ उतरेंगे, क्या व्यवस्था होगी, तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी जी से इस बात की मांग की है कि श्रमिकों के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, राजस्थान में भी शुरू की जाए, साथ में आर्थिक पैकेज जो इस समय सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है उसमें राजस्थान भी एक शामिल है और यदि सरकार, केंद्र सरकार, आप आर्थिक मदद देते हो, आर्थिक पैकेज देते हो तो इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की संभावनाएं होंगी। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के द्वारा उठाए गए तमाम कदमों की जानकारी दी और प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिलाया कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना करने में बहुत आगे है और लगातार कोरोना जो पॉजिटिव मरीज हो रहे हैं उनको नेगेटिव करने में भी राजस्थान का अव्वल स्थान है और लगातार राजस्थान सरकार की ओर से जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और जो कोरोना टेस्ट है उनकी संख्या करने में भी देश में राजस्थान अव्वल है। आशीष जी बिल्कुल, नीरज जी यहाँ पर जानना चाहेंगे, लॉकडाउन 2 के बाद जब लॉकडाउन 3 की घोषणा की गई थी उससे पहले भी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई थी, लॉकडाउन 3 अब खत्म होने जा रहा है और उससे पहले भी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की गई है, ऐसे में क्या कुछ लग रहा है आपको आगे आने वाले समय में, क्योंकि देश में लगातार संख्या तो बढ़ती जा रही है, कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार से लॉकडाउन में मॉडिफाइड किया गया है, छूट दी गई है, किस प्रकार का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए आशीष, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को भी और तमाम लोगों को कि जिस तरह से फीडबैक लिया जा रहा है, तमाम फीडबैक इसी बात को लेकर लिया जा रहा है कि लॉकडाउन 3 चल रहा है और अब जिस तरह की मांग आ रही है लगातार श्रमिक जो लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात राहत की है कि हमारे देश में पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो रहे हैं, रिकवरी की रेट काफी अच्छी है, रेट बहुत ज्यादा है,
इसलिए और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार बार कहा कि ये आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक ये खत्म नहीं हो जाता है, तब तक क्योंकि लोगों को इसके बीच रहना पड़ेगा, इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो रही है कि किस तरह से देश की जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है उसको पटरी पर लाया जाए, क्योंकि देखिए कोई भी कितना भी व्यक्ति मजबूत हो, तमाम लोगों की जो आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, और ऐसे में जो लॉकडाउन 3 में जो रियायतें दी गई थी, ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन जो बनाए गए थे, अब माना जा रहा है कि 17 तारीख बाद में प्रधानमंत्री इन मुख्यमंत्रियों से सब तमाम मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, उनके हालातों का उन्होंने जायजा ले लिया एक तरह से, और उन पर मंथन करेंगे, अपने साथ के जो विभाग के मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, और उसके बाद और रियायतें मिलने की उम्मीद है, और माना जा रहा है कि लॉकडाउन में काफी रियायतें मिलेगी, और जो बहुत सारी दुकानें छोटे मोटे जो काम धंधे बंद पड़े हैं उनको खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि रेड जोन और जिनमें कोरोना पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, संक्रमित बहुत ज्यादा है, हॉट स्पॉट है, वहां पर लॉकडाउन पूरी तरह रहेगा, लेकिन ग्रीन जोन में काम धंधे शुरू हो सकेंगे। राजस्थान की बात करूं तो 12,500 उद्योग धंधे राजस्थान में शुरू हो चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब देश के प्रधानमंत्री को भी इन तमाम बातों पर निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के खाने पीने के लिए भी उद्योग धंधों की को शुरू किया जाना जरूरी है, और जिस तरह से श्रमिकों का पलायन हो रहा है उनको रोकने के लिए भी, जब उद्योग धंधे चालू हो जाएंगे श्रमिकों को पलायन भी स्वतः रुक जाएगा। तो तमाम बातों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि रियायतों के साथ शर्त जो है लॉकडाउन में काफी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन हो सकता है स्कूलें, कॉलेजें और जितने भी मॉल है, सिनेमा घर है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, धार्मिक कार्यक्रम है, इनको अनुमति नहीं मिले, लेकिन अन्य जो अनुमति है वो मिलने की उम्मीद है। बाजार में दुकानें खुलेगी लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, शादी ब्याह भी होंगे लेकिन वहां कुछ शर्तें होगी, भीड़ भरे जो कार्यक्रम है, मेले हैं, प्रदर्शनियां हैं, सभाएं हैं, उन तमाम चीजों पर बंदी से रहेगी जी, ऐसा मेरा अनुमान है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी प्रधानमंत्री के सामने, तो साथ ही आने वाले समय में किस प्रकार के हालात रहेंगे इनको लेकर के भी अपनी राय दी।